हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, तो ये 5.1 का एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर वन ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है, ठीक है, बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस वाले की क्या क्वेश्चन कह रहा है उस चीज को समझते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं यहां पर अगर फर्स्ट की यहां पर सॉल्यूशंस बताऊं, तो देखिए एपी किस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, पहले एक किलोमीटर जो होगा उसका रुपीज कितना है, ₹15। फिर दूसरा जो होगा 15 + 8, दूसरे किलोमीटर पे क्या होगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। फिर 8 ऐड अगर ऐड करेंगे तो 31। फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला वाला तो है आपका 15। ठीक है, उसके बाद से 8-8 और एडिशन होते जाएगा, इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि इसमें 23 माइनस अगर मैं 15 करूं तो D1 आएगा, 31 माइनस 23 करूं D2 आएगा, 39 माइनस 31 करूं D3 आएगा। और इस कंडीशन में D1 = D2 = D3 = 8 आएगा, सब में 8 का डिफरेंस आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंट है, तो इसलिए ये एपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज और कोई फॉर्म नहीं करेगा, मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी में से मैंने यहाँ पर ऊपर लिख के दे दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको एपी ही बनाना है। अगर आप देख रहे हो कि ये बन रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर बना देना है। ठीक है, देखना है कि एपी बन रहा है कि नहीं। पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे अगर मैं इसके पहले वाले की अगर मैं बात करूं, तो जो ये बनाया है ना, पहले एपी ना लिखें, उसके पहले लिस्ट ऑफ नंबर लिखें, फिर बाद में इसका D1 D2 D3 निकाल के देखें। अगर आपका ये सही हो रहा है तो फिर बाद में ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट तरीके से करते हैं। जैसे ये मैंने अभी आपको बनाया, मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ और फिर बाद में आपको करके बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशंस में यहाँ पर बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे जितना रिमेनिंग है उसका 1/4 निकाल देता है। तो लेट ऐसे करके मान सकते हो कि लेट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ओके चलिए आगे हम देख लेते हैं। सिलेंडर इक्वल टू एक्स है, ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले एक्स है, ठीक है, तो पहला वाला तो एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरे में अगर देखोगे तो कितना निकल रहा है, देखो रिमेनिंग एक्स बचा, फिर बाद में बोल रहा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अब 1/4 अगर निकाल देते हैं, ठीक है, 1/4 इसका निकाल दिए तो कितना बचा, 3x/4 बचा। अब इसका अगर 1/4 अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब 3/4 इसका बचेगा, इसमें से 1/4 निकाल दूं तो इसका 3/4 बनेगा, मतलब 3x/4 × 3/4 ये बचेगा, मतलब क्या हो रहा है, 9x/4। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हर बार 3 × 3/4 मल्टीपल हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, हर बार 3/4 क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब 3/4 ही बचेगा ना, 1/4 तो निकल जाएगा रिमेनिंग में से। तो इसमें अगर आप लिस्ट ऑफ नंबर में देखोगे
तो इसका जो हर बार क्या होगा कि डिफरेंस जो आएगा वो अलग अलग आएगा। जब अलग अलग आएगा यहाँ पे बोल सकते हो कि हियर हियर इज नॉट कॉमन डिफरेंट, यहाँ पे कॉमन डिफरेंट नहीं है, सो देयर फॉर दीज दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट फॉर्म एन एपीज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए थर्ड वाला, उसमें भी बताना है कि एपी है या नहीं है। तो इसमें एपी बताने के लिए देखो तो बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी 1 मीटर ऑफ डिगिंग, एवरी 1 मीटर का डिगिंग करना है। वेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का ₹150 है, देखिए 150 लिख दिया, उसके बाद से 50 50, अब 2 मीटर का कितना हो जाएगा ₹200, क्योंकि 1 मीटर का 150 और उसके बाद एडिशनल जितने भी अगर आप डिगिंग करते हो उसके ₹50 चार्ज है, तो 200, फिर 250, फिर 300, मतलब इस तरीके से ये लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि हियर प्रोग्रेसिव डिफरेंट आर सेम सेम या कॉमन। ठीक है, सो देयर फॉर दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर फॉर्म एन एपीज। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक और जो चौथा है वो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में कितना अमाउंट मनी रहेगा, ये पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले बता दूं, अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस नहीं होता है, एक मिनट, पी इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर एन हो जाता है, जिसमें आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन इसका टाइम है और पी है। तो अगर मैं पहले साल का निकालूं अमाउंट, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर अमाउंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, 1 प्लस आर 8 है, डिवाइडेड बाय 100 है और एन की वैल्यू 1 पहले साल के लिए, तो कितना अमाउंट हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो है 10,000 और यहाँ पे हो गया देखिए 100 प्लस 1 और इंटू 8, 108 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अभी यहाँ बचा 100, 100 का 108 में मल्टीपल करेंगे तो 108 के आगे 2 जीरो और लग जाएगा, तो ये हो गया पहले साल के लिए। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए अगर निकालते हो तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है वो देख लीजिए, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे 2 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो 10,000 है ही, यहाँ पे ये 108 हो रहा था ना अपन 100, तो ये 2 बार हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, तो 108 अपन, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 4 कट गए, 108 इंटू 108, 108 इंटू 108 का मल्टीपल करेंगे अगर, तो मल्टीपल करने पे कितना वैल्यू आ जाएगा, आप मल्टीपल केस कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल अगर आप कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 108 इंटू 108, ठीक है कितना आ जा रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है कितना आ रहा है, 1,164 आ गया। चलिए तीसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं, थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि 3 तो जरूरी होता है, 3 से ही पता चलेगा फॉर्म ये, फिर क्योंकि इसका डिफरेंस तो पता चल जाएगा,
लेकिन बाकी एक और डी मिलेगा तभी तो पता चलेगा डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा ये 10,000 और यहाँ पे ये 108 तीन बार हो जाएगा, तीन पावर होगा ना, तो ये 108 डिवाइडेड बाई यहाँ 100, फिर यहाँ 108 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 4 0, तो यहाँ से ये 4 0 कैंसिल। अब यहाँ 108 108 तीन बार है और डिवाइडेड बाई 100 है, देख लीजिए कितना आ रहा है, इतना आया। मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू कितनी है, 1,259,712, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ ना, यहाँ डिफरेंस ही देखने जाऊँ तो आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कितना डिफरेंस हो जाए। अच्छा, डिवाइड बाय 100 भी करना है, तो डिवाइड बाय अगर 100 करता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, बस यहाँ पर पॉइंट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12,597 रुपया 12 पैसे से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो अलग आएगा और इसका डिफरेंस निकाला जाए तो अलग आएगा, तो इस हिसाब से ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। हियर इज नॉट कॉमन डिफरेंट, हियर इज नॉट कॉमन डिफरेंट। अभी शुरुआत है तो थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अच्छी राइटिंग आपको कुछ दिनों में मिलने लगेगा। नॉट कॉमन डिफरेंट, सो नॉट फॉर्म एन एपीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चंस का जस्टिफिकेशन के साथ क्यों है ये भी रीजन के साथ आपको बता दिए। तो ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर लगे रहें। थैंक यू।